हेलो दोस्तों, मैं सुशील सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुशील सर में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और आज हमारा जो है 7.1 फिनिश हो जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें जो है समाकलन करना है रूट एक्स प्लस 1/ रूट एक्स और ये डी एक्स का। तो अभी आपको पता है कि हम लोग इसको एक्स पावर 1/2 डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन साइन लगा के 1/ ये रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जब रूट हटता है तो उसमें 1/2 पावर आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स पर 1/2 डी एक्स हो गया और ये ऊपर जाएगा तो x पे -1/2 डी एक्स आ गया। अब आप जानते हैं इसका फार्मूला, ये सूत्र होता है x रेस टू द पावर n डी एक्स का, x रेस टू द पावर n प्लस 1/(n+1) और प्लस में क्या लग जाता है, c लग जाता है। तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो इसमें एक जुटेगा, नीचे भी 1/2 में एक जुटेगा, प्लस इसमें भी वही क्रिया होगी, x पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे भी -1/2 प्लस 1 और प्लस में सी लग जाएगा। तो इस पे क्या बनेगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 और 1 3/2, नीचे भी वही होगा 3/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा 1/2 और नीचे कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ये ऊपर चला जाता है तो ये 2/3 एक्स रेस टू द पावर 3/2 प्लस 2 और एक्स पे 1/2 प्लस में सी लगा दीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस में सी, ये आंसर है। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसे देख लीजिएगा, ये प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 जो है इसका सी वाला जो है आपका ये सही दिया है, ये या ये। ठीक, प्रश्न संख्या 22 को भी हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या बोल रहा है। थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 आपको विचलित करने का काम किया। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है और इस पे हम लोग बात करते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा और हम लोगों ने देखते ही देखते एक्सरसाइज 7.1 समाप्त कर लिया। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न संख्या 22 क्या है। प्रश्न संख्या 22 कुछ ऐसे लिखा है, dy/dx f(x)(3)-3/x^4 और जिसमें आपका f2=0 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, fx निकालना है। ठीक, तो ये आपका जो है ये 4x³ ये dy/dx f(x) दिया है, यानी fx जो हमारा फलन है उसका जो है dy/dx उसके बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये 4x³-3/x⁴, ये जो दिया है ये आपका fx का प्रति अवकलज है, fx का प्रति अवकलज, ये जो है fx का प्रति अवकलज। यहाँ आप देख सकते हैं fx है, dy/dx है, इसका एंटी डेरिवेटिव है ये। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं fx का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग यही तो लिख सकते हैं, इसको fx = इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं और 4x³-3/x⁴ और यहाँ पे क्या हो गया dx आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कांस्टेंट होने के नाते बाहर निकल जाएगा तो x³ dx हो जाएगा -3 और 1/(x⁴) और ये dx हो गया। तो 4x³ dx -3
और x रेस टू द पावर माइनस फोर डी एक्स। तो इसको इधर देख लीजिए, फोर और x पे अपान फोर माइनस थ्री और माइनस फोर प्लस वन, और नीचे भी माइनस फोर प्लस वन, प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। फोर से फोर हट गया, x पावर फोर माइनस थ्री, x पे माइनस थ्री और यहाँ माइनस थ्री, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो x पे पावर फोर माइनस x पे पावर माइनस क्यूब प्लस में c, ये जो निकल के आता है एफ एक्स का वैल्यू आता है। जबकि एफ एक्स, अब एफ टू हम लोग निकाल लेते हैं, तो एफ टू के लिए क्या किया जाएगा वो आप देख लीजिए। अब वो एफ एक्स आ गया, तो एफ टू हमारा जो कह रहा है वो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग दो पुट करेंगे, तो टू पे पावर फोर हो जाएगा और माइनस टू और माइनस क्या थ्री और प्लस में सी, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, वहाँ पे उसको प्लस होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक यहाँ भी बन गया ये, तो ये सोलह हो जाएगा और ये प्लस दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, वन अपॉन टू पे पावर क्यूब प्लस में सी, तो सिक्सटीन प्लस वन अपॉन एट प्लस में सी। तो ये एफ टू है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक सौ अट्ठाईस और एक उनतीस, एक सौ उनतीस बटे में आठ प्लस में सी, ये किसकी वैल्यू है, एफ टू की। और जबकि यह जो एफ टू है उसका ये मान है, और ये जो है हमें सी का यहाँ पे मान निकालना है, तो हम लोग इसको किसके बराबर दिखाएंगे, हम लोग इसको यहाँ पे देखिए एफ टू की जो वैल्यू आई है वो सिक्सटीन प्लस वन अपॉन एट प्लस में सी आई है, इसको सॉल्व करने से ये मिला। तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं एक सौ उनतीस बटे आठ प्लस सी बराबर जीरो, तो सी बराबर कितना आ गया, माइनस एक सौ उनतीस बटे आठ आ गया। तो इसको यह सी का मान हम लोग ले जा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हम लोग समाकलन किए थे यहाँ पर, तो आपका कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ये समाकलन आया था एक्स पे पावर फोर और प्लस एक्स पे पावर माइनस थ्री और माइनस एक सौ उनतीस बटे आठ, ये हमारा आंसर होगा एफ एक्स बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये दोनों, और यहाँ सी था, ये किसका मान आया था, एफ एक्स का मान आया था। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो प्रश्न दिया है मैं पढ़ रहा हूँ, वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मान दे दिया है फोर एक्स क्यू माइनस थ्री अपॉन एक्स पावर फोर, और जिसमें एफ टू को कह रहा है जीरो के बराबर है, एफ टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हमने एफ टू का यहाँ पर मान निकाल लिया है और इसको किसके बराबर दिखा दिया, जीरो के बराबर दिखा दिया। सी का मान कितना निकल के आ गया, माइनस एक सौ उनतीस बटे आठ। अब ये सी का मान हम जो इंटीग्रेशन किए हैं एफ एक्स का, वहाँ पे ले जा करके इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साफ साफ लिखा है कि एफ टू जो है जीरो है और एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो एफ एक्स यहाँ निकल गया, एफ टू भी हम लोगों ने निकाल लिया और उसको जीरो के इक्वल दिखा दिया, और फिर जो है वहाँ से सी का मान निकाल करके सी यहाँ पर हमने रख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 जैसे शुरू करेंगे, तो उसमें जो है हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन करेंगे। तो आइए कुछ नियम बता देते हैं आपको कि एक्सरसाइज 7.2 कैसे लगेगा। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आज हमारा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 7.2 है, और 7.2 में ये जो प्रतिस्थापन समाकलन होता है ये कैसे होता है इसको हम लोग लेकर के करेंगे। तो एक से सैंतीस प्रत्येक फलन का जो है लिखा है, एक से सैंतीस तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, ये लिख दिया दो एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है।
हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो प्रतिस्थापन समाकलन में बेसिकली ये किया जाता है कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएट करने पे कुछ ऐसा बने। तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर 2x dx आया है, तो हम लोग लेट करेंगे, मान लिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो इस तो कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स किसका, टी का। तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका जो है अवकलन कितना होगा, 2x होगा और dt अपान कितना हो गया, इधर dx हो गया। तो 2x dx का जो मान आ गया आप देख सकते हैं वो किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। तो 2x dx को हम लोग क्या रख देंगे, dt रख देंगे और नीचे इसको हम लोगों ने क्या माना है, t माना है। तो आप समझ सकते हैं 1/t dt आ गया। तो 1/x मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ x के बराबर होता है। तो 1/t dt किसके बराबर हो जाएगा, log t, या प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। t हमने क्या माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना है, तो मान को हम लोग लौटा देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगता है। देखिए प्रतिस्थापन समाकलन कोई बहुत बड़ा समाकलन नहीं है, हम लोग इसमें ऐसा मानने का प्रयास करते हैं कि ऊपर जैसा कुछ बन जाए। जैसे ऊपर देख रहे हैं 2x dx आ गया है, तो हम लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना उचित है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t जैसे हम लोग लेते हैं और दोनों तरफ हम लोग जो है x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x टाइप का कुछ बन गया। तो 2x dx बराबर किसके हो गया, dt के हो गया। फिर dt को हम लोग वहाँ पर ले आकर के रख देते हैं। एक सवाल और मैं आपको लेता हूँ, प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें वो देखिए क्या कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका है log x का होल स्क्वायर अपान में यक्स है। तो देखिए अब हम लोग इसका समाकलन जब करेंगे तो log यक्स का स्क्वायर अपान में यक्स और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। तो लेट आप जो है log यक्स को मान लीजिए t, तो log यक्स का जो डिफरेंशिएट होता है 1/x dx और बराबर क्या हो गया, dt हो गया। ठीक, आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स और लाग एक्स, वहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था डी बाई डी एक्स और कितना आ गया, टी। तो लाग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है और डी बाई डी एक्स किसका, टी का। तो इधर हो गया 1/x dx बराबर किसके, dt के। तो अब आप समझ सकते हैं 1/x dx देखिए इसमें दिख रहा है, वहाँ पे मैं क्या रख देना है, dt रख देना है और इसको क्या माने हैं आप, t माने हैं, t का स्क्वायर। तो वेरी सिंपल है, आप सूत्र अभी पढ़े हैं, x रेस्ट टू द पावर n dx का होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसका हो जाएगा t पे पावर क्यूब अपॉन 3 और प्लस में c। t का मान लौटा दीजिए, t क्या माना गया है, t को हम लोगों ने माना है log x टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। तो log x का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 और प्लस में c। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये है प्रतिस्थापन समाकलन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका समाकलन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, प्रश्न संख्या जो 3 है 1/x प्लस यक्स log यक्स, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 1/x प्लस यक्स log यक्स और कितना हो गया, dx हो गया। तो वही काम हम लोग इसको ऐसा कुछ मानेंगे कि हमारा जो है क्या बन जाए, कुछ बन जाए, इसमें कुछ मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे 1 प्लस log x और ये क्या हो गया,
डी एक्स आ गया। अब लेट आप कर लीजिए, वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी, दोनों तरफ इसका क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो वन प्लस लॉग एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और किसका, टी का, तो वन का क्या होगा डिफ्रेंशिएट शून्य होगा, लॉग एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स और टी तो वन बाई एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी हो गया, तो वन बाई एक्स डी एक्स देखिए इसमें आपको दिख रहा है, वहाँ पर क्या कर दीजिए डी टी कर दीजिए, डी टी अपॉन टी, तो एक सूत्र होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर वन बाई टी डी टी का क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा, टी का मान लौटा दीजिए, लॉग टी की जगह हम लोगों ने क्या लिया है वन प्लस लॉग एक्स और प्लस में सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज क्वेश्चन हम लोग यहीं तक कवर करेंगे और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग बढ़ाने का प्रयास करें और अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।